तो अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और अब हम अपने चैनल के चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी से गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज स्टेज पर आएं। सर प्लीज। बिल्कुल, और अब हम गुजारिश करना चाहेंगे जनता टीवी न्यूज चैनल के सीईओ मिस्टर दीपक अरोड़ा जी से कि वो आज के शाम के खास मेहमान और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए रामविलास शर्मा सर का, प्लीज। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डवास सर से कि वो प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ सर को स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज, जोरदार तालियां हो जाए ओम प्रकाश धनखड़ जी के लिए। बिल्कुल, और अब हम चाहेंगे जनता टीवी के इनपुट एडिटर मिस्टर थानेश्वर शर्मा और जीएम सेल्स मिस्टर विकास मल्हान जी से कि वो हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री कविता जैन जी को स्टेज पर लेकर आए। बेहद खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका। जोरदार तालियां हो जाए कविता जैन जी के लिए, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और सभी खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप गणमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त है राष्ट्रगान के प्रति अपने सम्मान को जाहिर करने का। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान जाहिर करें। बिल्कुल, ये राष्ट्रगान ही है जो हम सबको एक सूत्र में पिरोए हुए है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ राष्ट्रगान ही है जो हम लोगों को एक साथ जोड़े हुए है। और हम हिंदुस्तान की उन तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने में एक अहम भूमिका भी निभाई है, उनको भी नमन करते हैं। बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम को विधिवत तौर पर उसकी शुरुआत करने का वक्त आ गया है। आप तभी जो खास मेहमान स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं, आप सबसे गुजारिश है कि आज के इस शाम की हम विधिवत तौर पर शुरुआत करेंगे और दीप प्रज्वलित कर आज के इस शाम की विधिवत तौर पर हम शुरुआत करेंगे। आप सब खास मेहमान से गुजारिश है कि दीप प्रज्वलित कर। तो अब इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है और अब हम अपने चैनल के चीफ एडिटर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी से गुजारिश करते हैं कि सर प्लीज स्टेज पर आएं। सर प्लीज। बिल्कुल, और अब हम गुजारिश करना चाहेंगे जनता टीवी न्यूज चैनल के सीईओ मिस्टर दीपक अरोड़ा जी से कि वो आज के शाम के खास मेहमान और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी को स्टेज पर लेकर आए। सर प्लीज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए रामविलास शर्मा सर का, प्लीज। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनता टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप डवास सर से कि वो प्रदेश के कृषि मंत्री
ओम प्रकाश धनकर सर को स्टेज पर लेकर आए सर प्लीज जोरदार तालियां हो जाए ओम प्रकाश धनकर जी के लिए। बिल्कुल और अब हम चाहेंगे जनता टीवी के इनपुट एडिटर मिस्टर थानेश्वर शर्मा और जीएम सेल्स मिस्टर विकास मल्हान जी से कि वो हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री कविता जैन जी को स्टेज पर लेकर आए। बेहद खास मेहमान, बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका। जोरदार तालियां हो जाए कविता जैन जी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका और सभी खास लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप गणमान भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब वक्त है राष्ट्रगान के प्रति अपने सम्मान को जाहिर करने का। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपने राष्ट्रगान के प्रति अपना सम्मान जाहिर करें। बिल्कुल, ये राष्ट्रगान ही है जो हम सबको एक सूत्र में पिरोए हुए है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तब शुभ नामे जा मांगे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय और अपना स्वागत संबोधन दे। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मौजूद हरियाणा राज्य सरकार के तीन वरिष्ठ और एवं बेहद योग्य मंत्री सम्माननीय रामविलास शर्मा जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी, कविता जैन जी और इस आयोजन को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित कर रहे तमाम विद्वज्जन, सर्वप्रथम जनता टीवी परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आपने एक सार्थक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर इस आयोजन को जो गरिमा प्रदान की है उसके लिए मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आज का यह आयोजन दरअसल विगत 3 वर्षों में प्रदेश की सरकार के द्वारा जो कुछ काम किए गए हैं उन्हें का लेखा जोखा प्रदेश की जनता के साथ बांटने का एक ईमानदार प्रयास। हमारी कोशिश इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश की जनता को उन तमाम सवालों का उत्तर उपलब्ध कराने की जो उसके जहन में हैं और यह जवाब देने के लिए यह साहस दिखाने के लिए न केवल सरकार के 3 सम्मानित मंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं बल्कि बहुत जल्दी इस प्रदेश के मुखिया सम्माननीय मनोहर लाल खट्टर जी भी हमारे बीच में होंगे जो जनता से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देंगे। मैं एक बार पुनः आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ और अपेक्षा करता हूं कि जनता टीवी के द्वारा समय समय पर होने वाले ऐसे सार्थक कार्यक्रमों में भागीदारी करके आप हमारी हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु देरी सर, जो इन काइंड वर्ड्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल और अब हम चाहेंगे हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री और आज की शाम के खास मेहमान रामविलास शर्मा जी को स्टेज पर बुलाना, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले एक नजर उनके सफर पर। किसी भी देश और प्रदेश को आगे ले जाने में अगर सबसे बड़ी कोई चीज है तो वो है वहाँ की शिक्षा। हरियाणा में भी शिक्षा की सफलता की कहानी एक ऐसे ही सफल कंधों पर है। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की।
रामविलास शर्मा का जन्म 25 जुलाई 1949 को महेंद्रगढ़ के राठीवास में हुआ था। रामविलास शर्मा ने अपने बचपन से ही कई तरह की चुनौतियों का सामना किया। रामविलास शर्मा देवराली और स्वरूपगढ़ में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। 1967 में अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान रामविलास शर्मा छात्र नेता भी रहे और आरएसएस के प्रचारक भी रहे। 1971 से 1973 के दौरान गाजियाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की पढ़ाई पूरी की। 1974 में रामविलास शर्मा झज्जर इकाई के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में चुने गए। इसके बाद 1982 में पहली बार विधायक बनकर सामने आए। 1987 में इन्होंने देवीलाल मंत्रिमंडल में पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर शपथ ली। 1990 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1996 में हरियाणा विकास पार्टी और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा और चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री बने। उस दौरान रामविलास शर्मा ने बतौर शिक्षा मंत्री पदभार संभाला। 2013 में दूसरी बार बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बने रामविलास शर्मा। 2014 में हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़े और रावदान सिंह को शिकस्त दी। 2014 में इन्होंने बतौर शिक्षा मंत्री पदभार संभाला। 2014 में बतौर शिक्षा मंत्री पदभार संभालने के बाद इनके सामने शिक्षा क्षेत्र की तमाम चुनौतियां थी, लेकिन इस दौरान इन्होंने अपनी कुशल राजनीतिक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। शिक्षा जगत में आपकी रोटेशन पॉलिसी को पूरे देश ने खूब सराहा। आपके संघर्ष और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है कि हरियाणा की शिक्षा नीति का लोहा पूरा देश मान रहा है। बिल्कुल, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रामविलास शर्मा जी का। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सर। और अब बारी है प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी को स्टेज पे बुलाने का, लेकिन इससे पहले कि हम उनको स्टेज पे बुलाएं, एक नजर उनके सफर पर भी। भारत की शालीन संस्कृति की एक नजीर ये भी है, यहाँ अन्नदाता को देवता के समान उपाधि दी गई है और प्रदेश में कृषि मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय का कार्यभार भी ऐसे राजनेता के जिम्मे है जो किसानों के हमेशा से ही हितैषी रहे। किसानों की आवाज ओम प्रकाश धनखड़ का जन्म हरियाणा के झज्जर में 1 अगस्त 1961 को हुआ। रोहतक के महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से ओम प्रकाश धनखड़ ने मास्टर्स और एमएड करने के बाद भिवानी में भूगोल के लेक्चरर के रूप में भी 11 साल तक काम किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर एक किताब भी लिखी। 1978 से ही ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर भारतीय संस्कृति को संजोने का कार्य किया। 1980 से 1996 तक ओम प्रकाश धनखड़ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। 30 साल से भी ज्यादा के राजनीतिक करियर में इन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिनमें 1990 में लाल चौक कश्मीर आंदोलन भी शामिल था। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रहे ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रहते हुए उन्होंने हिमाचल में भाजपा की सरकार भी बनाने में एक अहम किरदार निभाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लॉ संग्रहण के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रहे ओम प्रकाश धनखड़। जब नरेंद्र मोदी हरियाणा के प्रभारी थे, तभी से ओम प्रकाश धनखड़ और नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी गहरे रहे। ओम प्रकाश धनखड़ 2011 से 2013 और 2013 से 2015 तक बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। 2014 में हरियाणा विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बादली विधानसभा सीट से इन्होंने जीत दर्ज की और बीजेपी के पूर्ण बहुमत सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर चुने गए। मनोहर सरकार में इन्हें कृषि मंत्री जैसा अहम मंत्रालय दिया गया और प्रदेश में किसानों की सहूलियत और बेहतरी के लिए इन्होंने हर संभव कोशिश की है।
जी हाँ, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का। बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल। और अब हम चाहेंगे हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्री कविता जैन जी को स्टेज पर बुलाना, लेकिन उनके यहाँ आने से पहले एक नजर उनके सफर पर। किसी भी सूबे के विकास के लिए उसकी पूरी आबादी की हिस्सेदारी भी उतनी ही मायने रखती है जितनी की सियासतदानों की। और प्रदेश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के साथ ही हरियाणा के चिरागों के विकास की जिम्मेदारी भी जिन कंधों पर है, वो शख्सियत हैं हरियाणा प्रदेश की प्रमुख महिला नेता और महिला बाल विकास मंत्री कविता जैन, जो इन बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन सुचारू रूप से कर रही हैं। एक साधारण गृहिणी से प्रदेश की कैबिनेट मंत्री के पद पर पहुंचकर कविता जैन प्रदेश की महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की मिसाल है। प्रदेश की मनोहर सरकार में एकमात्र महिला मंत्री कविता जैन का जन्म 2 सितंबर 1972 को रोहतक में हुआ। कविता जैन ने एमकॉम बीएड तक शिक्षा ग्रहण की और बाद में सोनीपत के जाने माने नेता राजीव जैन से विवाह किया। 2009 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 4 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। उन 4 विजयी विधायकों में से एक सोनीपत से कविता जैन भी थी। 2014 विधानसभा चुनाव में कविता जैन ने 25,810 मतों से जीत हासिल की। बच्चों को पढ़ाना और हल चलाना, ये 2 रुचि हैं। और फिर मुझे 96 में शिक्षा मंत्री के नाते काम मिला। उस समय कुछ मौलिक बातें हमने किया। हिंदी, संस्कृत, C&V कैटेगरी के जो अध्यापक थे उनको एक कंसोलिडेटेड तनख्वाह मिलती थी 3500 रुपया। ना उनका प्रमोशन था, यानी हिंदी पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना, इसको निरुत्साहित किया गया। और चौधरी बंसीलाल जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके साथ काम करना और बहुत लंबे समय तक हम उनके विरोध में रहे। जब कांग्रेस ने उनको निकाल दिया तो हमने साथ में चुनाव लड़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। और अध्यापक के बारे में उनकी धारणा बहुत उल्टी थी। मैंने उनको कहा कि भाई कोई भी अध्यापक में और पुलिस कांस्टेबल में, दोनों में एक बड़ा मौलिक अंतर है, दोनों को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जा सकता। अध्यापक राष्ट्र निर्माता है, उसको मान सम्मान से उससे काम लेना होता है। और उन्होंने, आज वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने मेरी इस बात को स्वीकार किया और संस्कृत, हिंदी, C&V कैटेगरी के अध्यापकों को मास्टर ग्रेड दिया और प्रमोशन में उनका 12% हमने आरक्षण किया। आज उस समय के बहुत से लोग SDO एजुकेशन है, DO एजुकेशन है, उस समय हमने बहुत एक इस क्षेत्र में काम किया। दोबारा से मैं शिक्षा मंत्री के नाते श्री मनोहर लाल जी की सरकार में ये विभाग मेरे पास है। इसमें इस कार्यकाल में 3 साल में हमने मौलिक परिवर्तन किए। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या, अध्यापक भाई बहनों की संख्या 1 लाख के आसपास इस विभाग में काम करते हैं। स्थानांतरण में 3 महीना इनके चंडीगढ़, महेंद्रगढ़, चंडीगढ़, भिवानी, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र में चक्कर काटते हुए लग जाते थे। इस बार हमने पूरे हिंदुस्तान में एक शिक्षा जगत के अध्यापक भाई बहनों का एक स्थानांतरण नीति बनाया और उसमें 62,347 अध्यापकों का एक बटन दबा के हमने स्थानांतरण किया। 96% अध्यापकों में इस बात को लेकर संतोष है। आज 15 प्रांतों की सरकार आज हमारा अनुकरण कर रही है। हमारा जो शिक्षा सदन है पंचकुला का, ये सही मायने में एक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है। वो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी की जो CD है वो लेने के लिए आते हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। इस बार नैतिक शिक्षा में हमने गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया। आज पूरी दुनिया इस बात के लिए हमारी
प्रशंसा कर रही है। कुरुक्षेत्र जो विश्वविद्यालय है नेक ने उसको ए प्लस का ग्रेड दिया है। हिंदुस्तान की 700 विश्वविद्यालय में ये 8वें नंबर पर हमारे विश्वविद्यालय को आकलन किया है।